नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारे ट्रेसिंग का आगे का टॉपिक है कि जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में ट्रैक आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो आज दोस्तों जो मैं आज की वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ कि आपस में ट्रैक जो होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं, हम लोग आपको ट्रैक को चेक करने का तरीका सिखा रहे हैं कि ट्रैक कैसे कनेक्ट होता है, कैसे ट्रैक चलता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोन का अंदर का ब्लॉक डायग्राम कि मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं वो मोबाइल फ़ोन आपस में इंटरनली कनेक्ट कैसे होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो उनसे मोबाइल फ़ोन में समस्याएं आती हैं तो कैसे उसको चेक किया जाता है, ये आज मैं आपको वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने वाला हूँ। आज का दोस्तों टॉपिक होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनल ट्रैक की कनेक्टिविटी कैसे होती है, इंटरनल ट्रैक जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो उसको आज हम लोग दोस्तों वीडियो में समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो ट्रैक कनेक्ट होते हैं तो उनको हम लोग चेक करना सीखेंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन के अंदर का जो पीसीबी बोर्ड होता है इस बोर्ड के अंदर ट्रैक की कनेक्टिविटी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि सर मुझे जो भी आपने चार्जिंग जैक का चेकिंग आपने समझाया है, बैटरी कनेक्टर का चेकिंग सिखाया है, हैंड फ्री जैक का टेस्टिंग समझाया है, या मोबाइल फ़ोन में सीरीज पैलर के बारे में आपको बताया है, मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो उसी ट्रेसिंग से संबंधित मैं आपको और भी सारी जानकारी दे रहा हूँ ताकि इन सब चीज़ों को समझ सकें और आपके रिपेयरिंग के पॉइंट कहीं ना कहीं मजबूत हो सकें, स्ट्रांग हो सकें और आप अच्छी तरीके से एक रिपेयरिंग कर सकें, बेहतर तरीके से रिपेयरिंग कर सकें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ये मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रैक की जो कनेक्टिविटी होती है वो ट्रैक की कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे जितने भी सारे जो ट्रैक्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे समझते हैं थोड़ा सा। मोबाइल फोन वर्किंग वोल्टेज ब्लॉक डायग्राम। दोस्तों आज की वीडियो में होने वाला है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वर्किंग वोल्टेज का ब्लॉक डायग्राम होता है उसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि सबसे पहली बात हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पीसीबी बोर्ड होता है इस पीसीबी बोर्ड की कनेक्टिविटी कैसे होती है, दूसरी बात क्या है इसके बारे में बूट सिक्वेंस क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन हमारा कैसे चालू होता है, या मोबाइल फ़ोन को कैसे टेस्टिंग किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर किया जाता है, ये आज की वीडियो में सारा सब कुछ आपको होने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। आज की वीडियो में एक बड़ा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताऊँगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ मैं आज आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊँगा कि जो जिन लोगों ने मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया है और मेरे लिए एक बड़े अचंभे की बात है। और अचंभे के साथ साथ क्या होता है, एक इंसान का एक इंसान के प्रति कैसा एक विश्वास होता है जो एक सबसे बहुत बड़ी बात है जिसका एक आज हमारे सामने जीता जागता एक उदाहरण हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे टॉपिक के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर ब्लॉक डायग्राम जो है उसको हम लोग कैसे समझेंगे और मोबाइल फ़ोन में काम कैसे करता है इसके बारे में आज आपको वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे आपको बताते हैं। हमारे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन में सबसे पहली बात जो सप्लाई चलने का जो सबसे पहला रास्ता होता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है चार्जिंग जैक। मोबाइल फ़ोन चलने का सबसे बेहतर और आसान सप्लाई जो होती है जो सबसे पहले चलती है वो हमारे कहाँ से चलती है, चार्जिंग जैक से चलती है। ये चार्जिंग जैक लगा होता है, यहाँ पर जब आप चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर 5 वोल्ट करंट इन होता है, 5 वोल्ट सप्लाई क्या होती है ऐसे इन होती है। जब 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है तो 5 वोल्ट में से क्या होता है, एक पिन तो आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, उसके बाद एक पिन जो होता है ये तुम्हारा प्लस होता है, इसको बोलते हैं वी बस लाइन। इसमें 5 वोल्ट करंट आता है, जैसे मैं फिर बताता हूँ, ये 5 वोल्ट करंट आने के बाद ये 5 वोल्ट करंट तुम्हारा चला जाता है चार्जिंग आईसी के अंदर। ये चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्ट करंट चला जाता है,
चार्जिंग आईसी क्या काम करती है, इस करंट को लेती है, इस करंट को लेने के बाद क्या करती है, आउटपुट करती है। आउटपुट करने के बाद वो करंट हमारा आगे की तरफ जाता है और वो जाता है आपका बैटरी कनेक्टर के अंदर। जिस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं वी बैट सप्लाई, इससे सप्लाई आती भी है और इससे सप्लाई जाती भी है। तो ये सप्लाई का हमारा जो इन आउट का लाइन होता है, उसके बाद फिर यही सप्लाई से हमारी एक और दूसरी लाइन क्रिएट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं VPH लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? VPH लाइन। ये VPH लाइन यहाँ से आउटपुट होती है, इस पर 3.7 वोल्टेज होता है। ये जो हमारी VPH लाइन होती है, इस पर जब हम लोग चेक करते हैं तो इस पर चेक करने पर 3.7 वोल्टेज होता है। ये 3.7 वोल्टेज जो होता है, जो तुम्हारा आगे आईसी जो होती है वो पावर आईसी पे सप्लाई जाती है। किस पे सप्लाई जाती है? पावर आईसी पे जाती है। अब ये पावर आईसी क्या काम करती है? पावर आईसी पे जब हमारी 3.7 वोल्ट सप्लाई चली जाती है तो पावर आईसी हमारी एक्टिव हो जाती है। पावर आईसी एक्टिव होने के बाद फिर हमारे यहाँ से करंट आउटपुट निकलता है और ये करंट जो होता है, ये आपका करंट जाता है एक ऑन ऑफ स्विच पॉइंट में अंदर। इस ऑन ऑफ स्विच में एक पॉइंट ग्राउंड होता है। ऑन ऑफ स्विच में सप्लाई जो जाती है ये तुम्हारी 1.8 वोल्ट से लेकर के 3.7 वोल्ट होती है, जिससे तुम्हारा ऑन ऑफ स्विच जब आप दबाते हो तो आपकी पावर आईसी क्या हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। जब आपकी पावर आईसी एक्टिव हो जाती है तो पावर आईसी के अंदर से आप देखेंगे तो इससे दो आईसीयों पर सप्लाई जाती है। एक तो सबसे पहले जो सप्लाई पावर आईसी से सबसे पहले सप्लाई निकलेगी, पावर आईसी सप्लाई निकलने के बाद सबसे पहले आपको जाती है सप्लाई सीपीयू आईसी पर। उसके बाद दूसरी सप्लाई निकल करके यही जाती है तुम्हारे ईएमएमसी आईसी के पास। एमएमसी आईसी सीपीयू, सीपीयू के लिए 1.8 वोल्ट, एमएमसी के लिए 2.8 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, तब हमारी एमएमसी सीपीयू आईसी एक्टिव हो जाते हैं। एमएमसी एक्टिव, सीपीयू आईसी एक्टिव होने के बाद इनका आपस में ऐसे इस तरीके से इंटरनली कनेक्शन होता है जिससे सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र होता है। सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र होने के बाद फिर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरीके से डिस्प्ले आउटपुट होता है। डिस्प्ले आउटपुट होने के बाद इसी चार्जिंग आईसी से आपके लिए जो सप्लाई निकलती है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट की सप्लाई होती है, वो हमारी यहाँ से निकलती है और यही सप्लाई निकलने के बाद ये सप्लाई आपकी जाती है डिस्प्ले लाइट के अंदर। तब आप में डिस्प्ले में लाइट आती है, रोशनी आती है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें से लाइन बना करके। जिसको हम लोग लाइट आईसी कहते हैं, लाइट आईसी से फिर करंट निकलता है, ये करंट तुम्हारा चला जाता है डिस्प्ले के अंदर। ये जो वोल्टेज होते हैं ये सभी फ़ोनों में 14 से लेकर के 24 वोल्ट होते हैं। लाइट को काम करने के लिए VPH का जो वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज जाते हैं, तब ये लाइट आईसी काम करती है और वोल्टेज जनरेट होकर के आपके डिस्प्ले के अंदर चले जाते हैं। अब पावर आईसी क्या काम करती है? पावर आईसी अपने अंदर से कई सारे मल्टीपल वोल्टेज को आउटपुट करती है। कई सारे मल्टीपल वोल्टेज को आउटपुट करने का मतलब होता है कि पावर आईसी सबसे पहली बार जो वोल्टेज आपका निकालती है, स्पीकर है, रिंगर है, माइक है, हैंड फ्री है, टच है, इस तरीके से कई सारे मल्टीपल वोल्टेज निकालती है जिससे बाकी मोबाइल फ़ोन के अंदर जो अदर सेक्शन होते हैं वो अदर सेक्शन एक्टिव होते हैं। अदर सेक्शन एक्टिव होने के बाद वो हमारे सेक्शन काम करते हैं और मोबाइल फ़ोन में वर्किंग करते हैं। तो ये हमारा काम करने का तरीका होता है। उसके बाद फिर पावर आईसी जो होती है अपने पास से सप्लाई निकालती है। पावर आईसी सप्लाई निकालने के बाद ये हमारा चालू होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम सेक्शन। सिम में छः पिन होती हैं,
छः पिन में से एक पिन तो आपकी ग्राउंड हो जाती है, उसके बाद एक पिन में पावर आईसी से सप्लाई आती है, ये 2.8 वोल्ट सप्लाई आती है, फिर सिम के अंदर से तीन सिग्नल निकलते हैं, ये तीनों सिग्नल तुम्हारे जाते हैं सीपीयू आईसी के अंदर, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आने के लिए हमारा मोबाइल फ़ोन का सर्किट क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जब नेटवर्क लाने के लिए हमारा मोबाइल फ़ोन का सर्किट एक्टिव हो जाता है तो फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन पर भी वोल्टेज जाते हैं, नेटवर्क सेक्शन भी वर्किंग करता है। नेटवर्क सेक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन में हमारे मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले एंटीना लगा होता है, एंटीना से फिर एक ब्लैक कलर का छोटा सा वायर लगा होता है जिसको हम लोग एंटीना वायर कहते हैं। यह मैं आपको 4G हैंडसेट का आपको सर्किट समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका एक गोल्डन कलर का एंटीना लगा होता है, फिर ये सिग्नल तुम्हारा जाता है PFO IC के अंदर। PFO IC को काम करने के लिए भी 3.7 वोल्टेज VPH के वोल्टेज चाहिए होते हैं। ये 3.7 वोल्टेज जो होते हैं जब PFO IC को आते हैं तब PFO IC एक्टिव होता है। PFO IC के सिर्फ यही सप्लाई तुम्हारी चली जाती है 4G PFO के लिए। 4G PFO के अंदर से फिर दो सिग्नल निकलते हैं जिन सिग्नल को हम लोग बोलते हैं RX और TX। ये RX TX सिग्नल जो होते हैं तुम्हारे आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद यही RX TX सिग्नल तुम्हारे चले जाते हैं WTR IC के अंदर या RF IC के अंदर। अब ये जो तुम्हारी RF IC लगी होती है, इस RF IC को या WTR IC को काम करने के लिए भी पावर IC से वोल्टेज आते हैं। कहाँ से वोल्टेज आते हैं? पावर IC से वोल्टेज आते हैं। पावर IC से दो वोल्टेज आते हैं, एक होता है 1.8 वोल्टेज, दूसरा होता है 1.1 वोल्टेज। तब तुम्हारी WTR IC यानी RF IC एक्टिवेट होती है, फिर एक्टिवेट होने के बाद इससे सिग्नल निकलते हैं और वो सिग्नल निकलने के बाद वो सिग्नल तुम्हारे चले जाते हैं CPU के अंदर। जब CPU के अंदर ये सिग्नल चले जाते हैं तब आपको CPU आपके मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से नेटवर्क एक्टिवेट कर देता है, मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क आ जाते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन का जो ब्लॉक डायग्राम समझाया है कि हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस मोबाइल फ़ोन के अंदर ब्लॉक डायग्राम काम कैसे करता है, यानी किस तरीके से हमारा मोबाइल फ़ोन काम करेगा, हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे सप्लाई इन होती है, कैसे सप्लाई आउट होती है, कहाँ कहाँ पर सप्लाई चलती है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको डिटेल बताया है। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर की, मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड के इंटरनल अंदर की कनेक्टिविटी होती है कि ये कनेक्टिविटी काम कैसे करती है, मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है। ये जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं जो 4G हैंडसेट होते हैं, 4G या 5G हैंडसेट होते हैं, तो 5G हैंडसेट के अंदर इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का अंदर का वर्किंग का प्रोसेस होता है, इस तरीके से ट्रैक की कनेक्टिविटी होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर सबसे पहली बार सप्लाई है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पहले चार्जिंग जैक से सप्लाई आएगी, चार्जिंग जैक से UI से होते हुए चार्जिंग IC पे चली जाएगी, चार्जिंग IC के बाद सप्लाई बैटरी कनेक्टर पर जाएगी, फिर बैटरी कनेक्टर से लाइन आउटपुट होगी, VPH लाइन आउट होगी, VPH लाइन आउट होने के बाद सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी, पावर IC पे जाएगी, पावर IC पे जब सप्लाई चली जाएगी तब पावर IC हमारी काम करना स्टार्ट कर देगी, फिर पावर IC काम करने के बाद सबसे पहले पावर जो वोल्टेज निकालता है वो ऑन ऑफ के लिए निकालता है, जिससे आप मोबाइल फ़ोन को दबाते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑन होता है। जब आपका मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है तो सबसे पहले वो CPU और MMC दो IC को चालू करता है, फिर CPU MMC जब दोनों IC चालू हो जाते हैं तो CPU MMC आपस में कोलेब्रेशन करती हैं, आपस में डाटा सिग्नल को ट्रांसफ़र करती हैं और आपके मोबाइल फ़ोन में फट से ग्राफिक्स के लिए आउटपुट निकालती हैं, जबकि आपके मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले में ग्राफिक आउटपुट आ जाता है। जब ग्राफिक आउटपुट आ जाता है तो धीरे धीरे करके मोबाइल फ़ोन में टच है, स्पीकर, माइक, रिंगर, हैंड फ्री और भी जितने सारे छोटे बड़े जितने भी सारे सर्किट्स होते हैं, सारे सर्किट चालू होना स्टार्ट हो जाते हैं, सारे सर्किट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सारे सर्किट वर्किंग पे आ जाते हैं। जब सारे सर्किट वर्किंग पे आ जाते हैं तो वर्किंग पे आने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरीके से काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले चार्जिंग जैसे सप्लाई कहाँ पर आएगी, चार्जिंग IC पे आएगी, चार्जिंग IC पर वी बैट पे जाएगी, तभी सप्लाई निकलेगी, उसके बाद पावर IC पे आएगी, पावर IC आने के बाद फिर ये सप्लाई हमारी लाइट IC के लिए जाती है जिससे आपके डिस्प्ले में लाइट आउटपुट होती है, उसके बाद ये PFO के लिए सप्लाई जाती है जिससे PFO 4G PFO हमारे चालू होते हैं, फिर 4G PFO अपने अंदर से RX TX सिग्नल जनरेट करते हैं, वो RX TX सिग्नल तुम्हारे जाते हैं WTR IC के अंदर, फिर WTR IC क्या काम करती है,
कि वो सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करती है, ताकि आपका सिग्नल आगे जाता है और आपके मोबाइल फ़ोन में पूरा मोबाइल फ़ोन के अंदर का काम करता है। तो ये मैंने आपको एक बेसिकली मोबाइल फ़ोन का ब्लॉक डायग्राम सर्किट समझाया कि किस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन में वर्किंग होती है, कैसे हमारा मोबाइल फ़ोन काम करता है। ये दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। इस सर्किट को जो वैसे मैंने आपको समझाया है, अगर आप चाहें तो अपने कॉपी पे अच्छे से एक बार डायग्राम को बनाएंगे। एक बार जब अपने कॉपी पे डायग्राम को बनाएंगे तो आपको वाकई में बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अरे मोबाइल फ़ोन के बारे में अंदर मदरबोर्ड के बारे में अंदर चेक करना कितना आसान है। अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 50% मोबाइल फ़ोन में प्लेट को देखते यही समझ में आ जाएगा कि आप मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग कैसे करने वाले हैं या कैसे कैसे वोल्टेज चलने वाला है, जिससे आपको ट्रैक चेक करने में आपको आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर का वोल्टेज सप्लाई वर्किंग का ब्लॉक डायग्राम समझाया है। इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको सभी चीज़ों का वोल्टेज है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको अनुभव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही और फिर हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। ये दोस्तों हम आपको ट्रेसिंग के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो आपको दे रहा हूँ, जिनसे वीडियो के माध्यम से आप एक एक चीज़ करके सब चीज़ों के बारे में आसानी से सीख सकें और सीखने के बाद अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे पास एक स्टूडेंट हैं जो कल की बात है, कल उन्होंने ज्वाइन किया था मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनका अगर आज के डेट में अगर एज देखा जाए तो वो 50+ हैं, 50 साल के हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइन में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इतना इंटरेस्ट रखते हैं जितना कहने वाली बात है। कहते नहीं, अगर इंसान का किसी भी चीज़ के प्रति अगर इंटरेस्ट है या किसी चीज़ के प्रति अगर जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। आज भी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी रिपेयरिंग के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या कोई भी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, अगर उनको उस बिजनेस में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल पाता या अच्छा खासा काम नहीं मिल पाता तो वो लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे लाइन पर मूव हो जाऊँ या कोई ऐसा काम कर लूँ कि जिससे हमको एक अच्छी सी इनकम जनरेट हो जाए, एक अर्निंग हो जाए और अच्छी तरीके से हम लोग एक पंखे के नीचे बैठ करके तसल्ली से काम कर पाएँ और हमको मार्केट में परेशान होना ना पड़े। तो आज वो लोग चाहते हैं तो वो लोग अपने काम को या अपने कैरियर को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। और सर दूसरी बात क्या है, इस काम को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, बस सिर्फ आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको सीखना है। अगर आपको ज़िंदगी से परेशानी से सब चीज़ों को दूर रखना है या सब चीज़ों से दूर होना है तो आप इस बात को ज़रूर समझेंगे कि आप 100% तरीके से काम सीख सकें और सारे काम को अच्छी तरीके से कर पाएँ, वर्किंग कर पाएँ। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं तो आप एक अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर पाएंगे और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अच्छी तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप सब चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकें, सारी चीज़ों को समझ सकें, ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो हम लोग जो बता रहे थे कि वो मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स ज्वाइन किया, और उनके एक बात और अच्छी कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले मेरे पास आने से पहले, मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने से पहले वो एक और जगह से जुड़े हुए हैं। मतलब जो आजकल देखा जाए तो इस समय बहुत फेमस हैं, चर्चित हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री करके जो हैं और उनको सब लोग मानते हैं, और आज जो उन्होंने बागेश्वर धाम को जिन्होंने उन्होंने उठाया है, या ऐसा कह सकते हैं कि कहते हैं कि भगवान को तो कोई नहीं उठा सकता, लेकिन भगवान के इतने अच्छे अनुयायी होते हैं कि वो लोग इतना करते हैं कि लोग उनको देख करके बहुत अच्छा समझते हैं। हम भी उनको मानते हैं, हम तो क्या छोड़ो, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मानते हैं, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो पहले नेपाल से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए आए ही 6 महीने से कह रहे हैं कि सर मैं आपका 5-6 महीने से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, और उनका भी वीडियो देख रहा थे कि सर जब जाएंगे तो उनसे भी मिल कर के आएंगे, उसके बाद फिर हम आपके पास भी ट्रेनिंग लेंगे, अगर अच्छा जमेगा तो सीखेंगे, नहीं है तो फिर देखेंगे। तो उन्होंने सोच करके वहाँ पर गए और उसके बाद उनसे मिल कर के आए। मिलने के बाद 10-15 दिन समय उनको हो गया है इस बीच में, और फिर एटलीस्ट मेरे पास आए ना। उन्होंने कभी 5-6 महीने से बात पहले बात हुई थी, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया,
हमको सिर्फ आए उनको एक बात दिमाग में ये फिट थी कि हमको कानपुर स्टेशन उतरना है, कानपुर स्टेशन से हमको सागर मार्केट पहुंचना है, सागर मार्केट में ईटे के स्टूट है, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सिखाया जाता है, वहाँ पर राघवेंद्र सर हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग देते हैं, इतना उनके दिमाग में कॉपी में लिखा हुआ था, इतना वो समझे हुए थे। तो जब आए उतरे, उनका मोबाइल फ़ोन नेपाल का सिम था तो उनमें नेटवर्क भी नहीं आता, मोबाइल फ़ोन भी बंद था। तो जब वो आए तो यहाँ पर मार्केट में सब जगह देखा, फिर उनको बोर्ड मिल गया, बोर्ड मिलने के बाद उतर करके आए तो उनको सब बात हुई, सारा इंस्टीट्यूट देखा, बच्चों से मिले, तो उनको खुद इतना अच्छा लगा और खुद कह रहे हैं कि सर मेरा इस लाइन में इतना इंटरेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ तो ये एक भी काम सीख करके अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम कर सकूँ। तो उन्होंने मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया, आज वो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कंप्लीट कोर्स सीखा हुआ है। कंप्लीट कोर्स सीखने के बाद अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक अपना बिजनेस करने के लिए स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स हमको सीखना है और कैसे हमारे पास दूर दूर से स्टूडेंट्स हैं, वो नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल से इतना दूर मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेने के लिए आए। तो आज दोस्तों किस तरीके से एक एक करके जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखने के लिए आते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो अच्छी तरीके से सीख करके जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम लोग आगे वीडियो में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आगे ट्रेसिंग का आगे का टॉपिक सीखेंगे। दोस्तों हम आपको ट्रेसिंग का एक एक करके बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में वीडियो देख करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमको ट्रेनिंग सेंटर में कैसे सिखाया जाएगा और किस तरीके से हम लोग सीखेंगे। दूसरी बात क्या, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स होता है, 45 दिन के अंदर आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट सीख करके जाते हैं। फुल डे ट्रेनिंग होता है, पूरा दिन आपको क्लास कराया जाता है। यहाँ पर मेरे अलावा और भी सर हैं जो आपको सिखाने में आपकी मदद करते हैं कि आप आएंगे तो सीख करके ही जाएंगे। यहाँ पर रहने की सारी सुविधा मिल जाती हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि सागर मार्केट है जो मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर दुनिया जान के लोग मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आते हैं, इस तरीके से मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए आते हैं। हमारे बच्चे मोबाइल फ़ोन को ठीक करके देते हैं, अगर आप लोग देखे रहे होंगे तो हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का भी वीडियो बना करके हम आपको डाल रहे हैं। मैंने कम से कम सर जी 500 मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का मैंने वीडियो बनाने का टारगेट डाला हुआ है कि हम आपको 500 मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों ने बोला हुआ है कि सर आप मोबाइल फ़ोन के बारे में तो सिखाते ही हो लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयर कैसे करते हैं। बिल्कुल, फ़ोन आएगा, कस्टमर का मोबाइल फ़ोन आया तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको रिपेयर करने का स्टेप क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप वीडियो देते हो तो हमको बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। और आप मोबाइल फ़ोन को जब खुद रिपेयर करके दिखाते हो तो हम उन सावधानी से भी सीखते हैं कि कैसे सर हमारे मोबाइल फ़ोन ठीक कर रहे हैं तो हमको भी मोबाइल फ़ोन कैसे रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो हम आपको 500 वीडियो देने वाले हैं जिससे आप और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पास स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वो बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। मार्केट से मोबाइल फ़ोन आया, हम उसको रिपेयर करके दिखाते हैं, बच्चे लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। तो लाइव प्रैक्टिकल से क्या होता है, उनको कस्टमर के हैंडसेट में काम करने का मौका मिलता है, कैसे कस्टमर के सेट को ठीक किया जाएगा उसका तरीका, उसका जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो जो भी नया वीडियो है वो आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा और आपको सीखने में आपकी मदद करेगा। और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित, देखो सीखना सिखाना अलग की बात है, अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है या आपको रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको एक फ़ोन कॉल करके आप हमसे मदद ज़रूर ले सकते हैं, आपकी हेल्प मेरी तरफ से पूर्णतः आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।